से बनेगा तो यहाँ से उठेगा और यहाँ तक जाएगा, क्लियर। अब कहाँ से उठेगा ये मुझे कैसे पता लगेगा? फर्स्ट स्पेस है ना, तो यहाँ पे लिखोगे फाइंड फर्स्ट स्पेस, ये पर है 9 पर, लेकिन हम 9 से हमने उठाएंगे, हम उठाएंगे 10 से, क्यों? क्यों 9 तो स्पेस है, तो ये प्लस ये, अब 10 उठाना है, लेकिन 10 से कितना उठाना है वो हमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो इसके बाद जो पहला स्पेस है उससे एक कम है ना, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्पेस अपने फाइंड किया, अब हम फाइंड करना है सेकंड स्पेस, तो हम जो फिर फाइंड लगाएंगे और स्पेस लगाओगे इस पे तो ये फर्स्ट का दिखाएगा, ये तो फर्स्ट का ना स्पेस दिखाएगा, तो सेकंड स्पेस जो सर्च करना है वो 10 के बाद से सर्च करना है, माने सेकंड स्पेस कितने पर है? 15 पर, फर्स्ट वाला समझ गए, अब हमें सेकंड स्पेस चाहिए, तो फाइंड क्या करता कि बाय डिफॉल्ट पहला लेगा, लेकिन फाइंड में एक ऑप्शन और है ऑप्शनल, ये कहता है कि अगर आप चाहो तो इस पोजीशन से बाद सर्च करना, तो दूसरा स्पेस अगर मैं यहां से शुरू करके सर्च करता हूं 10 के बाद तो हमें इस स्पेस को दिखाएगा, हां दिखाएगा, दिखाएगा ना, तो पहला स्पेस है 9 पर, मैं कह रहा हूँ 10 से करो शुरू सेकंड स्पेस के लिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइंड, इसमें अब देखो ये तो दिखा दिया 9 पर, लेकिन मुझे दूसरे की रिक्वायरमेंट है, तो जो पहला स्पेस है पहला स्पेस उसमें से एक प्लस कर दिया, मतलब 10 के बाद सर्च करो, तो दूसरा स्पेस कितने पर है? वन क्यों? क्योंकि अगला स्पेस के लिए अगला स्पेस, अब इसमें से माइनस कर लेगा इसको हैं, और यहां पे लगाओगे मिड, इसमें इससे 10 से 5 कैरेक्टर ले लो, भाई पहला स्पेस के एक बाद से लेकर अगला स्पेस से एक कम तो 5 कैरेक्टर तो उठाएंगे, हो गया, और इसको कॉपी करके FF वाला यहाँ पे डाल दो, इसका काम खत्म हो गया, ई वाला इसमें डाल दो, डी वाला तो इन्हें बन पाया वहाँ पे, अरे लास्ट में डी, इसको ब्रैकेट में डाल, मुश्किल तो है लेकिन करोगे तो क्यों मुश्किल है? हाँ भाई,
बाइंड है फोर पी एम वाला ठीक है फाइन बता और क्या दूसरा अभी जो टेक्स्ट का दूसरे लोग को जो पढ़ाया ना लास्ट क्लास वाला वो भी वीडियो लेके जाना फिर उसको भी देख लेना अरे दूसरे बंदे को जो टेक्स्ट का पढ़ाया हूँ दूसरे लोग को जो टेक्स्ट का पढ़ाया हूँ ना वो भी वीडियो ले जाना हाँ उसको भी देख लेना ठीक है अब जैसे है ना अरे अब इसमें हमें फाइंड करना है कि कितना अक्टूबर है क्योंकि ये जो है डेट ये तो हर साल का है किसी का फरवरी है किसी का देख लो अक्टूबर है ना तो हाँ जो अक्टूबर मंथ में आ रहा भले किसी भी दिन साल का हो हाँ यह ना डाटा बहुत है जाता है इसको हटा दिया कमर अरे यार मुश्किल क्या अरे तक करोगे तब तो आसान होगा ना हाँ लेकिन थोड़ा फास्ट है बंदा वो बैकएंड रखे हैं लेकिन उसका काम ये है उसको डिस्क्रिप्शन बोलता ही टाइप करता से ऊपर सब कंपनी मिलती है प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रोसेस पर है कौन सा संदीप अच्छा हाँ हाँ संजीव हाँ तो किस प्रोसेस में था वो कितना साल लिखा नहीं तो उसमें लेकिन और काम में तो मिलता होगा ना यार हाँ तो मकान ले रहा है मैथ तो उसका अच्छा होगा है मदद है और ठीक है देखो सब कुछ प्रैक्टिस पर है प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा हाँ समझ रहा बहुत चीज समझ रहा बहुत नहीं समझ पा रहा मैथिली भाषा में बात कर रहा है क्या पान खाता है पान अच्छा हो सकता है अब देखो अब इसमें मुझे नहीं पता है कि ये कितना डाटा 2900 डाटा है मुझे है नहीं पता कि कितना होगा तो हम करेंगे टेक्स्ट ठीक है हम करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट और ये पूरा रेंज लेंगे हैं कोमा एमएमएम तो ये क्या दिखाएगा जून का महीना अगर इसको करके ऐसे करोगे ना और F9 करोगे तो इक्वल टू लिखेंगे नहीं जो अभी लिखेगा ना रूट फर्स्ट में आएगा ना यहाँ पे दिखाने का चलो अभी आएगा अभी आया जून इज इक्वल टू मैंने कहा ना अक्टूबर तो ऐसे कर देंगे ठीक है अब यहाँ पे जब सर्च करेंगे लेने रहा ये कर रहा टू लॉन्ग कर रहा है बट नो लॉन्गर देन अच्छा बहुत लंबा इसको मैं करता हूँ घटा देता हूँ
नहीं नहीं हो तो जाएगा, अभी तो हो जाएगा, एफ9 नहीं काम करेगा। छोड़ो कोई बात नहीं, अब इसमें कहेंगे इफ अगर ये अक्टूबर है तो 1 नहीं तो 0, और यहाँ पे कर देंगे सम। 127 डेट ऐसे है जो अक्टूबर महीने में, अगर इसको मैं छोटा लूँ टेक्स्ट, ऐसे बारी बारी से सबका, इसका जून का, मई का, सितंबर है। अब इसी में मैंने कर दिया मई, अब ये दिखाएगा 2 फॉल्स है ना। अब मैंने कहा अगर मैंने कहा इफ अगर ये हो तो 1 नहीं तो, इसमें कर देंगे सम। देख लो इस रेंज में है ना मई का, 1 3 3 ही है। तो भाई छोटे छोटे बनाओ, हिंदू नववर्ष मंगल में हो, आज हिंदू नववर्ष है, हिंदू नववर्ष सबका फोटो आया हुआ है, फोटो आया हुआ है कि सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और नव चैत्र नवरात्रि तिथि जयम, और 25 को होगा लास्ट होगा, आज संडे है। एक ओखला में इंटरनेट कंपनी है, अच्छा है, कैसा है इंटरनेट, छोटी कंपनी है हमारे ऑफिस के आगे, नहीं नहीं इंटरनेट एक एक ओखला में भी है, गुड़गांव में कुछ देते भी नहीं, सड़कों को खरीद रखा है। अच्छा सड़कों को खरीद रखा है, सड़कों का नाम चेंज कर दिया इंटरनेट, तो फिर वो कंपनी अच्छा नहीं। अभी मेरे लिए इंटरव्यू के कॉल आया था, नहीं मेरा मैं मैक्रो में तो मेरा ठीक था, लेकिन छुट्टी का दिक्कत पता नहीं। अच्छा उसने सरको को खरीद लिया, विदेशी कंपनी है क्या? हो गया समझ गए। अब जैसे क्या बताऊं, ऐसे निकाल पाओगे लंबा पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ पे करोगे टेक्स्ट, हो गया, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे लिख लोगे मैं काउंट्री, काउंट्री भूल गए क्या? कॉलम तो जोड़ना पड़ा ना, ज्यादा होगा, लेकिन अलग अलग केस में अलग अलग चीज होगा ना, अभी ऐसा हो सकता है जो आरए में होगा और किसी में ना हो, हो सकता है, हो सकता है कुछ केस ऐसा हो जाए, जो 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 उस दिन पिन कोड वाला था बिना एरे को होगा ही नहीं,
कुछ भी बना। अब जैसे मैंने कहा, अब देखो मैंने कहा इतने सब का जो मैंने कलर किया है, इस सब का लेंथ बता दो। लेंथ हाँ कितना है? हाँ तो हमें यहाँ पे करेंगे एलियन ये, तो फिर ये हो जाएगा दिक्कत। और अगर मैं एरे नहीं यूज करूँगा तो हम यहाँ पे करेंगे एलियन और यहाँ पे सम और कंट्रोल सी। नहीं अगर एक सेल के वैल्यू लेता हूँ सबको लेगा ही नहीं, फर्स्ट वाला के लेगा, हमारा आउटपुट खराब हो जाएगा। ठीक है और पूछो, तुम पूछो मैं बता जाऊंगा। अरे तो जितना क्वेश्चन बताया उतना तो पूछो। बनाओगे तभी तो बनेगा यार, अरे मैं सब फेल हो जाता। अच्छे अच्छे लोग अब जैसे ये क्वेश्चन परफेक्ट इसमें नहीं बनता है, जो जित ग्रुप में तो नहीं लेकिन उतना ना कबीर संगम बिहार जो नहीं कहते थे बिजली मिस्त्री वाला काम करता था, उसने तो सारे क्वेश्चन चुन चुन के किया और किसी किसी में चार चार घंटा उसने लगाया लेकिन किया है? भाई उसके साथ उसके साथ पता है क्या हुआ कहानी? अब देखो कितना होता है। ठीक है अब जैसे कोई भी नंबर लिखता हूँ, जैसे यहाँ मान लो मैं कोई नंबर लिखा, है ना? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नंबर, आएगा तभी तो यार। नहीं नहीं जो होगा जान पहचान का होगा तो आएगा। अभी तो वहाँ के बंदे निकाले, नोएडा के बंदे निकला, गलत हो गया। अब देखो अब यह नंबर इसमें से मैं कर रहा हूँ टॉप थ्री जो नंबर है उसका सम निकालो, तो टॉप फर्स्ट नंबर कैसे निकालते हो? लाल से। तो जैसे है ना ये दो और तीन, यहाँ पे निकालोगे लार्ज इसको कॉमा सॉरी मैंने आउटपुट होगा कितना 72। तो हम यहाँ पे करेंगे लार्ज इसको लेंगे कॉमा यहाँ पे करेंगे 1 और यहाँ पे इससे पहले सम। अगर इसको देख दे देखोगे ना तो ये तीन नंबर दिखाएगा क्योंकि यही है टॉप। जो भी है देख लो, हाँ मैक्स बताया था। तो इस तरह से बना
अब हमने जो इतना कैलकुलेशन किया, इसके कैलकुलेशन नहीं होगा, हमें सिर्फ इसी पर काम हो जाएगा। तो हाँ, हम देंगे 2 नंबर, 4th नंबर, 5वां नंबर। इसमें इसलिए नहीं मांग रहा है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि पहले से यहाँ एरे लगा हुआ है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट पहले से लगा हुआ है, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं लगा। लेकिन वो मोस्टली केस में मांगेगा है। नहीं गलत, तो भी कोई गलती नहीं। इसमें कह रहा है सम द एडिशन वेयर ग्रेड इज ब्लैंक। अभी ये कुछ है डाटा, एक कोड है, एडिशन है, वर्जन है, ग्रेड है ना। तो यहाँ जो एडिशन है उसमें उस एडिशन का नाम निकालो जिसके आगे ग्रेड ब्लैंक है। तो इसको हम समीप से भी निकाल सकते हैं, समीप से भी निकाल सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना समीप रेंज, अगर ये ब्लैंक है तो इसका सम कर दे 92। और अगर एरेम लिखेंगे तो लिखेंगे, अभी तो मैंने लिया पूरा बी ग्रुप, लेकिन पूरा बी मत लो, यहाँ पे कितना 40 तक ही लो, ठीक है। हम लिखेंगे इफ, अगर यहाँ से इतना इजकल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक हो तो ये नंबर आ जाए। हाँ, अभी ये नंबर है, अगर इसको देखोगे ऐसे रहा, देखा जहाँ जहाँ ब्लैंक है नहीं वहाँ पर फॉल्स दिया, और जहाँ ब्लैंक है उसको तो वहाँ पर दे नंबर। और इससे पहले अभी क्यों स्पेस दोगे, अभी तो इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक है ना, यही से है ना साइन कोड कोड। है ना, सम हेयर एडिशन इज नॉट ब्लैंक, तो ये पूरा ऐसे ही रहेगा। इसका उसने बंदे ने कबीर ने एक एक चुन चुन के बनवा बनाया था, होमवर्क फर्स्ट बंदा था जो होमवर्क बनाया था उसने, इसको ये यहाँ पे कर दो नॉट इक्वल टू 828। सम द एडिशन वेयर ग्रेड इज ए बी सी इन D1 to D40, मतलब जहाँ पे ग्रेड ए बी सी में से कुछ भी हो, है ना। अगर हम समीप में लगाओगे तो समीप से लगेगा, समीप से हो भी नहीं पाएगा, तो उसमें तो एरर दे देगा। अच्छा लगाते हैं सम रेंज, चलो ये हो गया कैटेगरी या ए। अच्छा ये हो गया, फिर कैटेगरी है ये, तो आज उसमें डेट टाइम वाला में बैठोगे ये। इसमें एक काम नहीं किया ना, अगर इसको करते हो सम इफ रेंज ए, ये आ गया ये, और
कर लो लेकिन ये तीन बार करना पड़ा अगर ऐसे ऐसे रहेगा ना 10 तब तो हमें दिक्कत होगा तो हम यहाँ पे करेंगे इफ अगर ये साले ये सारा ये एबीसी हो तो हाँ है ना अब अगर मैं कहूँ कि सी को हटा के तो यहाँ पे जाके सिंपल यहाँ सी को हटा देंगे लेकिन यहाँ पे जाके ये पूरा पूरा इतना हटाना पड़ेगा हाँ ये भी तो यही अगर इसमें अगर ए बी सी डी एफ जी अच्छा जाएगा 10 तब तो हमें दिक्कत हो जाएगा ना इसमें डाल दो हाँ तो फिर तो आसान है ना में हाँ तो इसमें डाल दो ये कर रहा है काउंट नंबर वेयर ए और बी इसमें से ए और बी को काउंट करो कि कितने बार है काउंट इफ से तो एक ही काउंट होगा पहले ए का काउंट कर लो प्लस बी का काउंट कर लो फिर यहाँ पे लिखेंगे सम इसको बनाओ तुम
फाइल हो गया है या वर्जन का है? क्वेश्चन है किस जो क्वेश्चन ये रहा यही पे था फट गया हो यही पे था कि मिनिमम वैल्यू जो है रेंज B1 to B40 में कौन सा है जिसका ग्रेड और बी ग्रेड ए और बी है? जब हमने ए और बी को फिल्टर किया तो एडिशन में कुछ कुछ वैल्यू है तो उसमें होगा ना कुछ कोई वैल्यू होगा जो सबसे कम है तो उसको निकालना। तो आप ये करो कि एडिशन की वैल्यू को कम ज्यादा करना है, कौन सा कम निकालना है, कम वैल्यू सबसे कम कौन सा है मिनिमम से? तो जो भी निकल कॉपी करके मैक्स कर लिख देता हूँ, इसको कॉपी करके मैक्स लिख देता हूँ उसमें। ऐसे कॉपी नहीं किया जाता है, हाँ?
पता नहीं वो जाता नहीं, झूठ बोले मुझे, क्योंकि ऑफिस तो मेरे साथ जाता है, सिर्फ मैं रोज सीधे जाता हूँ, कब जाता हूँ वहाँ, मॉर्निंग वो 9 बजे खुलता है, अगर 9-10 करके फिर यहाँ आके घर नहीं तो अपना घर से निकलता होगा कम मदर के पर ये कुछ भी आ रही भी मेरे साथ तो ऑफिस जाता है वो तैयार वो घर से आता है ये तो एक साथ चला जाए वो पता नहीं सच्चा झूठ है तेरा मैं जा रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ इसके बाद है लास्ट रोइंग डी रो कलम वेयर इज वैल्यू मतलब रो डी कलम का लास्ट रो में कौन सी वैल्यू है नहीं नहीं लास्ट रो पर कुछ रो नंबर बता रहा है जो नहीं पूछ रहा लास्ट रो इन डी कलम वेयर इज द वैल्यू मतलब लास्ट रो की जो डी कलम है उसे क्या वैल्यू है यही है डी कलम पर कर सर रखो इसमें सबसे लास्ट रो इन डी कलम डी में सबसे नीचे सबसे नीचे ये निकलेगा रोल नंबर कितना है तो देख के बताऊं या निकाल देख के बताओ रोल नंबर है 35 लेकिन इसमें कैसे होगा निकालो D40 में जहाँ पे सबसे वैल्यू है कुछ लास्ट सेल में कुछ वैल्यू है हाँ कुछ भी आल्फा वैल्यू है उसका मतलब क्या होता है अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नॉट इक्वल टू ब्लैंक कुछ ना कुछ है तो अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो कोमा रो दे दो दिखा रहा है रो का दिखा रहा है नंबर तो जो रो रो
लास्ट नॉन ब्लैंक सेल इन रेंज बता रहा है ये पांच फाइव रो है।
Porque puede
Last row.
Gracias.
छोड़ दें, ये जो मैं जा कह रहा हूँ तो आप पाँच चले जाते हैं, तो हम कहाँ पाँच जाते हैं, तो हम जाते हैं, मैं तो मर जाता हूँ, चलो कह रहा हूँ बस ये वो अलग है।